रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP को लेकर बवाल तेज हो गया है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक RCEP को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी RCEP के विरोध में है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने RCEP के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। RCEP को कांग्रेस किसान विरोधी और देश विरोधी बता रही है। इस गुंगे बेरे निकम में सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, किसान को खत्म करना चाह रहा है ये लोग ने, किसान को खत्म करना चाह रहा है। जो मिल्क प्रोडक्ट है इंपोर्ट करने के लिए लगा है। सबसे ज्यादा कम से कम 10 करोड़ परिवार जो गाय को लेके दूध बेच के वो लोग जी रहा है, उसको खत्म करना चाह रहा है ये सरकार। इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम, जब तक ये लोग इसको हटाएगा नहीं, देश पर लड़के इसको कानून वापस लेके जाना। जो दुनिया में इंडिया नंबर वन है, व्हाइट रेवोल्यूशन भारत देश ने किया, यहाँ इंपोर्ट करने का क्या जरूरत है? परदेश से, विदेश से ये देश आयात करना, विदेश दूध आयात करना चाहते, इंपोर्ट करना चाहते, इतने किसान है, कृषि प्रधान हमारा देश है, इतने परिवार कहाँ जाएंगे आप बताइए? ये सारी इनकी गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। ये मानना छोड़ के किसानों पे अत्याचार करने का काम ये लोग कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है इनकी नीतियों की वजह से। ये नई नीति लेके आकर कई हजारों करोड़ों परिवार को इससे नुकसान होने वाला है। देखिए, हमारे विरोध प्रदर्शन का एक उद्देश्य है कि जिस देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने श्वेत क्रांति करके किसानों को मजबूत किया, हम दूध बाहर बेचते थे, आज ये सरकार मिल्क प्रोडक्ट को बाहर से खरीद रही है, ये किसानों के साथ आत्महत्या। एक तरफ गाय माता कहते हैं और दूसरी तरफ आप किसानों की हत्या करने जा रहे हैं। उसी के खिलाफ एक प्रदर्शन है कि इस डील को खत्म करें। और मरो नरेंद्र मोदी जी आपसे नहीं संभल रहा है तो आप बोल दें कि आप किसानों के हक में कुछ हक नहीं कर सकते, बाहर हमारे किसानों की को बेचे नहीं, उनका सौदा नहीं करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी RCEP पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने इसे किसान और छोटे व्यापारियों के खिलाफ बताया है। उधर BJP ने भी सोनिया गांधी पर पलटवार किया है। सोनिया जी एक चलाती थी सुपर PMO, सुपर सरकार, और सारी देश की इकोनॉमी वहीं से तय होती थी। क्या हुआ था उस वक्त, जो उदारवाद था वो उधारवाद में बदल गया था, जो अर्थशास्त्र था वो अनर्थशास्त्र में बदल गया था, और पूरी तरह से देश को की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आज देश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, मजबूत है, सुरक्षित है और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने थाईलैंड गए हुए हैं। माना जा रहा है कि इस समिट में भारत RCEP पैक्ट पर भारत साइन कर देगा। इसी RCEP पैक्ट को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये RCEP क्या है। RCEP एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है। एग्रीमेंट के तहत सदस्य देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स नहीं भरना पड़ता है या बहुत कम भरना पड़ता है। इस एग्रीमेंट पर आसियान के 10 देशों के साथ साथ भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दस्तखत करेंगे। यह एग्रीमेंट दुनिया के 3.4 अरब लोगों के बीच एक समझौता होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड पैक्ट होगा। भारत का व्यापार घाटा RCEP के ज्यादातर सदस्यों देशों के साथ है और समझौते के बाद भारत पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। किसी देश के साथ व्यापार घाटे का मतलब है कि हम उस देश से आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम। ऐसे में यदि आयात टैक्स घटता है तो ये व्यापार घाटा और बढ़ा सकता है। भारतीय उद्योग जगत ने RCEP पैक्ट में चीन की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। उद्योग जगत की मांग है कि डेयरी, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन समेत कई सेक्टर्स को इस एग्रीमेंट से बाहर रखा जाए। उद्योग जगत को आशंका है कि आयात शुल्क कम या खत्म होने से विदेशों से ज्यादा मात्रा में माल भारत आएगा और स्थानीय उद्योगों पर इसका बुरा असर होगा। RCEP के प्रस्तावित एग्रीमेंट के मुताबिक भारत को चीन से आने वाले करीब 80% उत्पादों पर शुल्क घटाना या हटाना होगा। इसके अलावा आसियान देशों के आयात किए जाने वाले 90% सामानों पर टैरिफ कम करना होगा। चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 74% आइटम्स भी टैरिफ फ्री करने होंगे। भारत का 2018-19 में RCEP के 11 देशों के साथ व्यापार में घाटा रहा है। उद्योग जगत के जानकार मानते हैं कि RCEP एग्रीमेंट भारत सरकार के लिए एक बेहद मुश्किल फैसला होगा और अगर ये समझौता होता है तो भारत का बाजार खत्म होने के कगार पर पहुंच सकता है।